नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकड़े न्यूज। जानेंगे इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। कर्नाटक के मैंगलोर में भारी बवाल, मस्जिद के बाहर वीएचपी कार्यकर्ताओं ने किया पूजा पाठ, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, इलाके में धारा 144 लागू। जातिगत जनगणना मामले पर आज बीएमसीईएफ ने बुलाया भारत बंद, सुप्रीम कोर्ट में प्रेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ एक और याचिका दाखिल, केंद्र सरकार के विरोध में बुलाया गया भारत बंद, भारत बंद को बहुजन क्रांति मोर्चा समेत कई संगठनों का मिला समर्थन। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा, राहत शिविरों में लोगों के साथ की बातचीत, दीमा हसाओं जिला प्रशासन के साथ भी की चर्चा, क्षतिग्रस्त सड़कों की बहाली पर दिया जोर। असम बाढ़ में मरने वालों की संख्या 26 तक पहुंची, 7 जिलों में 5,80,000 से अधिक लोग प्रभावित, तबाही का शिकार हुए जिलों में कछार, दारांग, दीमा हसाओ, गोलपारा, गोलाघाट, हैलाकाटी, होजाई, जोरहाट, काबरू, बाली है शामिल। मध्य प्रदेश में आबकारी नीति 2022 और 23 को लेकर मंत्री समूह ने की बैठक, बियर और शराब सस्ती करने के प्रस्ताव पर बनी सहमति, 26 मई को फिर होगी बैठक। पूर्व कांग्रेस मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा के बेटे पर मामला दर्ज, जमानत पर हुए रिहा, कारोबारी को रोकने की कोशिश की थी, पुलिस ने धारा 294, 269, 352, 183 के तहत मामला दर्ज किया। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 2,124 कोरोना के नए मरीज, सक्रिय मामलों में अभी भी दर्ज किया गया 130 का इजाफा, कोरोना से 33 लोगों की मौत। लंदन प्रवास पर राहुल गांधी, कई कार्यक्रमों में कर रहे हैं शिरकत, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी को भारतीय अधिकारी ने पढ़ाया राष्ट्र का पाठ, कहा भारत राज्यों का संघ नहीं, भारत एक राष्ट्र है। राहुल गांधी के यूके सांसद के साथ फोटो पर बीजेपी ने साधा निशाना, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने कहा कि पीएम मोदी के विरोध में राहुल गांधी करते देश का विरोध, भारत विरोधी यूके सांसद कॉर्बिन से की मुलाकात, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम मोदी और जर्मनी कॉर्बिन की एक तस्वीर शेयर कर दिया पलटवार। अमेरिका के टेक्सास में स्कूल में गोलीबारी, 19 बच्चों, 2 शिक्षकों की मौत, बाइडेन बोले अब एक्शन के वक्त, हमले के बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित। वही अब रुक करेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। इंग्लैंड में मीडिया से उनकी बातचीत को लेकर अब बीजेपी राहुल गांधी का मजाक उड़ा रही है। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन में विभिन्न मंचों पर अपने विचार रख रहे हैं और मीडिया से बात भी कर रहे हैं। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी सवालों पर अटकते हुए नजर आए, जिसके बाद बीजेपी ने इस पर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी से भारतीय समाज में हिंसा और अहिंसा को लेकर उनके दृष्टिकोण के बारे में सवाल किया गया था। इस सवाल पर बहुत देर तक राहुल चुप्पी साधे रहे और ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत कुछ उनके मन में चल रहा है और वो कुछ स्पष्ट जवाब देने की स्थिति में नहीं है। वीडियो में दिख रहा है कि वे पहले कुछ अटकते हैं, फिर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं और फिर अटकते हुए चुप्पी साध लेते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। वहीं सबसे पहले बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस वीडियो को ट्वीट किया है और लिखा है कि कृपया ज्यादा प्रभावी इंटरव्यू के लिए बिना तैयारी या कोचिंग के प्रेस से बात ना करें। I mean, the word that comes to mind is forgiveness, right? Mm-hmm. It's not precisely the most accurate. It's उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर स्थित एम्स में अब जल्द ही एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू होने जा रही है। वह इसके लिए हेलीपैड बनाने की तैयारियां अब और भी तेज हो गई हैं। सरकार के द्वारा यहां एक एयर एम्बुलेंस देने की मंजूरी भी दे दी गई है। गोरखपुर एम्स में एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू होने से दूर दराज के मरीजों को कम से कम समय में जल्द एम्स पहुंचाने में काफी सुविधा होगी। तो वही दूसरी तरफ एम्स गोरखपुर से दिल्ली एम्स के लिए रेफर किए गए गंभीर मरीजों को एयर एम्बुलेंस से जल्दी पहुंचाने
बनाने में भी काफी सुविधा होगी। एम्स गोरखपुर के एडी डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा है कि एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये एयर एम्बुलेंस उन मरीजों के लिए होगी जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं या फिर किसी पेशेंट को दूर से यहाँ लाना होता है जहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी नहीं है। और इसके अलावा अगर किसी मरीज को अर्जेंटली दिल्ली एम्स रेफर करना है तो इस स्थिति में एयर एम्बुलेंस का उपयोग किया जाएगा। वहीं अमेरिका सहित कई देशों में मंकी पॉक्स की बीमारी को लेकर अब प्रदेश में भी विशेष सावधानियां बढ़ती जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर नई गाइडलाइन तैयार कर रहा है। वहीं बुधवार यानी कि आज शाम तक इसे जारी किया जा सकता है। दुनिया भर में इसके मरीजों की संख्या करीब 100 तक पहुंचने के बाद WHO की ओर से अलर्ट भी जारी किया है। राज्य सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर विकासेंदु अग्रवाल ने बताया है कि केंद्र की सावधानी बरतने के निर्देश के बाद स्वास्थ्य महानिदेशालय गाइडलाइन तैयार कर रहा है। सूत्रों की माने तो हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था भी की जा रही है और यहां से सैंपल NIV पुणे भेजे जाएंगे। मंकीपॉक्स फैलने वाले देश से आए व्यक्ति के संपर्क में आने वाले में लक्षण मिलते हैं तो उसकी भी जांच कराई जाएगी। जिला अस्पताल से लेकर CHC तक मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था बनाई गई है। आशा कार्यकर्ता और AMM को भी इस बीमारी के बारे में जानकारी दी जाएगी। वाराणसी के श्रृंगार गौरी प्रकरण के बीच बुधवार यानी कि आज ज्ञान वापी से संबंधित एक नए मुकदमे पर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में सुनवाई होगी। ये मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह ने दाखिल किया है। इस मुकदमे की सुनवाई दोपहर 2 बजे से होगी। जितेंद्र सिंह बिसेन की माने तो किरण सिंह ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान को लेकर मुकदमा दाखिल किया है। गोंडा जिले की रहने वाली किरण सिंह विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं। मुकदमे के माध्यम से अदालत से उन्होंने मांग की है कि ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित हो, ज्ञानवापी का संपूर्ण परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और इसके अलावा भगवान आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो अब सबके सामने प्रकट हो चुके हैं उनकी नियमित पूजा पाठ शुरू करने की भी अनुमति दी जाए। उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बाद अब कर्नाटक में मलाली मस्जिद विवाद तोल पकड़ रहा है। मंगलुरु की चर्चित मलाली जुमा मस्जिद के आसपास के इलाके में स्थानीय प्रशासन ने गुरुवार तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है। क्षेत्र में मस्जिद के 500 मीटर के क्षेत्र में 24 मई की रात 8 बजे से 26 मई की सुबह तक प्रतिबंधक आदेश लागू रहेगा। वहीं जुमा मस्जिद इलाके में भीड़ जमा होने पर रोक लगाई गई है। मंगलुरु प्रशासन ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया है और इसके साथ ही क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। और इस बीच मलाली में श्री रामंजने भजन मंदिर में विहिप और बजरंग दल ने तांबुल प्राशन किया। कहा जा रहा है कि मंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित पुरानी जुम्मा मस्जिद में 21 अप्रैल को हिंदू मंदिर जैसा वास्तुशिल्प मिला है। बताया गया है कि मस्जिद के जीर्णोद्वार के दौरान मंदिर जैसे प्रमाण मिले हैं और ये जीर्णोद्वार मस्जिद कमेटी के द्वारा कराया जा रहा है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपको मजा आएगा, देखते रहिए KKD न्यूज़।